बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये देखिए, मैंने अपनी न्यू प्यारा सा कंफर्टर यहाँ पे रख लिया है, थैंक यू। और यहाँ से भी सारा समेट लिया है। इधर हो रहा है सालन गरम, बस थोड़ा सा ये उसमें सालन रात जो बनाया था वो, और बाहर आप लोगों को दिखाते हैं आज। ये हमारी एक गेस्ट हैं जो कि बैठी नाश्ता कर रही हैं, ब्राइट टू बी, एक और ये ब्राइट है, ये मेरी बेटी। और यहाँ दादो जानी बना रही हैं फुल देसी स्टाइल में नाश्ता। मैं अपना उतार के अपने पलाथे का वेट कर रहा था। फुल देसी माहौल बना के यहाँ बन रहा है मज़ेदार सा नाश्ता, पराठे। और ये हम लोगों ने लकड़ियाँ इस बकेट में डाली हुई हैं। आज आंटी ने कुछ लिए हैं गमले, और प्लांट्स हम लोगों ने पहले लिए हुए थे जो कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखे होंगे। और ये चाय मैंने अंदर रखी हुई थी चूल्हे पर, क्योंकि गैस थोड़ी थोड़ी आ रही थी, उसके मैंने गैस पर चाय बना ली थी। और पराठे हम लोगों ने बाहर बनाए, मज़ा आ गया था। आज चाय बना के फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया, क्योंकि अंगीठी अभी जल रही थी। फिर उसका फ़ायदा हमने ये उठाया कि अभी नाश्ता कर ही रहे थे तो दूध वाला आ गया, उस पर रख दिया हमने दूध, और फिर एक दफ़ा पी ताज़े दूध की चाय बना के। फिर रबिया ने कहा कि बाजी आप बैठे, मैं बनाती हूँ चाय। तो रबिया फूफो की बेटी हैं, हानिया के बाबा की फूफो की बेटी, मेरी अम्मी की कज़न की बेटी भी हैं। एचू बेबी ने पू किया, पू 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 पू। अभी इसको वॉच करेंगे। और इसने मेरा सर क्यों इतना मुझे ना बैठने तक नहीं दे रहा। अब इसके आपा तो आपने इसकी केयर नहीं करनी। रो ये ना रो, मैंने ने उसको किया है। ओ मैंने लाग हो गई है। ओए एचू बेबी से नाराज हो गई। तो आज मैं मनाने लगी हूँ, यहाँ मैंने रखे हैं क्या रखे, प्याज लहसुन और टमाटर। आज बनने लगे हैं आलू अंडे, अंडे वाली ग्रेवी जो होती है ना वो आज मैं बनाने लगी। बाकी टाइम क्या हो रहा है, टाइम 5:15 हो रहे हैं, आंटी लोग थोड़ा बाजार कर गए हैं। बस काम करवाया आज हमने, क्या क्या किया था, काम करवाया, फिर हानिया को स्टडी करवाई हम लोग ऊपर। आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, तो बस अब मैं इसको वॉश करूँगी पहले थोड़ी देर में, फिर आके खाना वगैरह बनाएंगे। खाने को स्टडी करवा दी है मैंने, उसके बाद आंटी लोग आएंगे खाना वगैरह खाएंगे बस। ओ मेरा बेटा किचन में आ गया था। थैंक यू। तो ये बन रहे हैं मेरे मज़ेदार से आलू। इसमें ये ऑयल हो रहे हैं वो इसमें डाल लूँगी, और ये अब मैं डालने वाली हूँ इसमें। वैसे तो मैंने ऐसे नहीं डाली थी, अब एक हाथ में फ़ोन है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों का भी दिल करे अंडा ग्रेवी बना के खाने के लिए, तो बस जल्दी से जाएं किचन में और ये मज़ेदार सा सालन बना के इंजॉय करें। अभी इसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया, वो जब खाना होगा तब। और ये मेरी सालन हो गई है, और अब मैं खाने लगी चिप्स। गाइस मम्मा ने मेरे लिए इतने से पराठे खुद मम्मा की प्लेट चेक करें। इतने भी ज़्यादा नहीं है धनिया, थोड़े से तो हैं। आपने भी मेरे साथ ही खाने। तो अभी बस हम लोग, मैं हाइसम और हानिया ये खाने लगे। ज़्यादा ही फ्राई हो गई, कोई बात नहीं। आप लोग भी जाएं बनाएं और खाएं। और आज का ब्लॉग बस इतना सा, ये छोटा सा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ब्लॉग को एंड कर लेते हैं, है ना। हाँ जी चलिए ठीक है, आप टेक इट एंड अल्लाह बाय।